Hello friends, welcome to my channel Study with Card. Study Maths linear equations. तो आज हम maths में पढ़ेंगे linear equations. तो आज हम कुछ equations को solve करने जा रहे हैं. तो इस equations में कुछ fractions हुई है. तो पहला question यहाँ पर 2x minus 1 by 3 is equal to 1 by 5 minus x. तो इस equation में हम लोग को x का value ढूंढना है. तो जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर एक साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर अगर कोई साइन प्लस है तो दूसरे साइड जाके माइनस हो जाएगा. माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लीकेशन है तो डिवीजन, और डिवीजन है तो मल्टीप्लीकेशन. तो इस तरह भी हम लोग इससे भी सॉल्व करेंगे. तो 2x माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 5 माइनस x. तो सबसे पहले हम लोग लाइक टर्म्स को एक साइड लेंगे. तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे x, ये है 2x और ये है माइनस x. तो माइनस x को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हो जाएगा प्लस x, साइन हो जाएगा अपोजिट. तो 2x प्लस x इक्वल टू यहाँ पर 1 बाई 5 पहले से था, फिर यहाँ पर माइनस 1 बाई 3, यह है माइनस 1 बाई 3. तो ये दूसरे साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस 1 बाई 3. अब यहाँ पर 1 बाई 3 ये हो गया माइनस में, तो दूसरे साइड जाके प्लस में हो जाएगा. तो 2x प्लस x हो जाएगा 3x, 3x इज इक्वल टू 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 3. तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15. 5 इंटू 3 हम लोग इन दोनों को बनाते हैं लाइक, ताकि हम लोग इन दोनों को ऐड कर सकें. 5 इंटू 3 15, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 5 15, 1 इंटू 5 15. तो 3x इज इक्वल टू 3 प्लस 5 बाई 15, जो कि हो जाएगा 8 बाई 15. अब यहाँ पर हम लोग को ढूंढना वैल्यू है x का. हम लोग को 3x का वैल्यू मिल गया, पर हम लोग को ढूंढना है x का. तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर रखेंगे x को, और 8 बाई 15 यहीं पर रहेगा. अब 3 कहाँ जाएगा? अब 3 है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर ये 3x है, तो इसका मतलब हो गया ये है 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स. तो मतलब होता है 3 यहाँ पर है मल्टीप्लीकेशन में, तो दूसरे साइड जाके हो जाएगा डिवीजन. डिवीजन तो मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन है तो डिवीजन. तो 8 बाई 15 डिवाइड बाई 3. अब डिवाइड हम लोग जैसे सिंपली करते हैं नंबर्स को, फ्रैक्शंस को, वैसे हम लोग इसी तरह करेंगे. तो x इज इक्वल टू 8 बाई 15 डिवाइड बाई 3. अब दूसरा जो टर्म है उसको हो जाएगा रेसिप्रोकल, 8 बाई 15 इंटू 1 बाई 3, ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल. x इज इक्वल टू 8, 1 जा 8, 15 इंटू 3 हो गया 40, ये हो गया इसका आंसर 8 बाई 45. x का वैल्यू हो गया 8 बाई 45. इसे हम लोग वेरीफाई भी करके देख सकते हैं, तभी आंसर सेम ही आएगा, इसका आंसर हो गया 8 बाई 45. अब दूसरा क्वेश्चन है x बाई 2 प्लस x बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई 8. अब ये कैसे सॉल्व करें? अब लेफ्ट हैंड साइड में दोनों जगह x है और इस साइड 1 बाई 8 है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करें? अब इसे सॉल्व करने के लिए भी एक वे है, यहाँ पर डिनोमिनेटर है 2 और यहाँ पर डिनोमिनेटर है 4. तो इसका हम लोग इन दोनों का हम लोग को ऐड करना है, x बाई 2 प्लस x बाई 4. तो अगर हम लोग 4 और 2 का एलसीएम ले तो हो जाएगा एलसीएम 4, 4 होगा एलसीएम. अब हम लोग मान लेते कि यहाँ पर x बाई 2, अब इन दोनों को हम लोग को बनाना है लाइक बनाना है x बाई 2 और x बाई 4. तो लाइक बनाने के लिए हम लोग डेनोमिनेटर को लाइक बनाए, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और x इंटू 2 क्या हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x बाई 4. इसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 2x प्लस यहाँ पर x बाई 4 है, तो ये x ही रहेगा क्योंकि ये इसका ले पहले से ले 4 है, तो ये x ही रहेगा. 2x प्लस x बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई 8. तो इसे हम लोग इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं अगर दोनों साइड x हो कुछ इस तरह. तो 2x प्लस x हो गया 3x बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई 8. अब यहाँ पर 3x का हम लोग यहीं पे रखते हैं, और 4 है यहाँ पर डिवीजन में, 4 है डिवीजन में, तो दूसरे साइड जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, 1 बाई 8 इंटू 4, या फिर 4 बाई 1 लेके दोनों से भी हो गया. 4 हो जाए 4, 4 टू जाए 10, बच गया 1 बाई 2. 3x का वैल्यू आ रहा है 1 बाई 2, पर हम लोग को चाहिए वैल्यू x का, तो इसके लिए भी हम लोग इसे सेम वे में करेंगे जैसे हम लोग इसमें किए. तो x इज इक्वल टू 1 बाई 2, यहाँ पर 3 है डिवीजन में, मल्टीप्लीकेशन में, दूसरे साइड होगा डिवीजन, 1 बाई 2 डिवाइड बाई 3, x इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू रेसिप्रोकल ले लेंगे 3 का, तो यह हो जाएगा 1 बाई 3, तो यह हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 बाई 6, तो 3 इंटू 2 हो गया 6, तो x का वैल्यू हो गया 1 बाई 6, तो ये हो गया इसका आंसर. तो इस तरह से हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पर फ्रैक्शंस हो. तो ये एक इजी वे है सॉल्व करने का, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. अगर लेफ्ट में हो मल्टीप्लीकेशन, तो दूसरे साइड जाके डिवीजन,
division at multiplication, addition at subtraction, or subtraction at addition. So, sika opposite. So, is the lesson again equations to solve for. So, we'll study more about linear equations in the next video. Please subscribe my channel and thank you so much for watching.